सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो वेडिंग एंड गेमिंग यूट्यूब चैनल एंड आज वाली वीडियो में मैंने बना लिया एक सर्वाइवल वर्ल्ड एंड देखते हैं कि हम लोग इसमें सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि सर्वाइवल वर्ल्ड तो मैंने आज तक नहीं बनाया लिटरली मैं जितनी भी बार सर्वाइवल वर्ल्ड बनाता अपने आप क्रिएटिव में घुस जाता आई डोंट नो क्यू बट मेरे हाथ अपने आप चले आते हैं सेटिंग में एंड उसको क्रिएटिव कर लेते हैं बट आज हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग सर्वाइवल में ही खेलें एंड एक सर्वाइवल सीरीज़ बनाएं तो चलो भाई है देखते हैं एंड हम लोग थोड़ी सी प्रोग्रेस करना चाहते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग कैसे खेल सकेंगे माइंड को एंड तुम लोग देख सकते हो कि मैं स्पॉन हुआ हूँ एक सवाना बायोम में एंड तो चलो वीडियो शुरू करते हैं ओके 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 सो फिलहाल यहाँ पे मैं आ चुका हूँ सवाना बायोम में एंड फ़िलहाल मेरे को थोड़ी सी प्रोग्रेस करनी थी तो इसके लिए थोड़ी प्रोग्रेस करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ी लकड़ियाँ काटी जाए क्योंकि शुरुआत में माइंड में प्रोग्रेस होती है लकड़ियाँ काट के ही तो मैंने सोचा थोड़ी सी लकड़ियाँ काट लेते हैं एंड इसके बाद हमने थोड़ी देर अपनी लकड़ियाँ काटी एंड हम यहाँ पर थोड़ी सी वुड एंड मैंने पूरा का पूरा पेड़ जो है वो गंजा कर दिया एंड पेड़ वॉज़ लाइक ओ भाई ये क्या है खैर कोई दिक्कत नहीं है तो फिलहाल यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल क्रिएट किया एंड इसको प्लेस करके थोड़ी सी स्टिक्स बनाई एंड स्टिक से हमने बना ली एक पिक्स क्योंकि हमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है एंड अपने को सिर्फ एक कोबल स्टोन के टूल्स बनाने हैं तो फिलहाल मैं आगे चला गया एंड आगे जाके मेरे को दिख गया एक प्राणी एंड आगे जाके मेरे को थोड़ा सा खाना दिखा आई I मीन mean दोस्त दिखा एंड इस दोस्त के साथ मैंने थोड़े से मज़े लिए एंड मैं वापस चला गया एंड इसके बाद मेरे को यहाँ पे कोबल स्टोन का थोड़ा सा सामान बनाना था एंड यहाँ पे थोड़ा सा सामान बनाने के लिए मैं केव में केव टाइप जगह में घुस गया एंड इसके बाद मैंने यहाँ से थोड़े कोबल स्टोन इकट्ठे किए एंड ताकि मेरे को कोबल स्टोन के टूल्स मिल सके एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोबल स्टोन कलेक्ट किया एंड काफ़ी सारा कोबल स्टोन कलेक्ट हो गया था आई मीन पाँच गूबल स्टोन कलेक्ट हो गया था बट मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और कलेक्ट किया एंड हमको यहाँ पर ज़्यादा नहीं थोड़ा सा कोबल स्टोन चाहिए था तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कोबल स्टोन कलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद यहाँ पे मेरे को बनाने थे सिर्फ स्टोन के टूल्स एंड मैंने उतना कोबल स्टोन कलेक्ट कर लिया कि मेरे को स्टोन के टूल्स मिल जाए तो यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल प्लेस किया एंड इसके बाद यहाँ पर मैंने एक एक्स एंड एक पिक्स बना ली एंड फ़िलहाल अपने को सिर्फ इतनी ही जरूरत थी तो इसके बाद मैं चला अपने दोस्तों से मिलने आई मीन दोस्तों से मिलने एंड इधर यहाँ पे मेरे को सामने अपना खाना दिख रहा था आई I मीन mean, मेरे दोस्त दिख रहे थे बट दोस्त को छोड़ो भाई अपने को फ़िलहाल ज़िंदा रहने के लिए खाना चाहिए क्योंकि पापी पेट का सवाल है एंड खाने के लिए तो भाई हम लोग नौकरी करते हैं तो यहाँ पे जानवर क्या चीज़ है तो हम यहाँ पे एक एक करके सारी बकरियाँ मारने लगे एंड ये बकरी तो ज़्यादा ही पागल थी जो मेरे आगे चले गई एंड फिर मैंने इसको पीला एंड ये सारी बकरियाँ नहीं मेरे आगे क्यों चाहती थी तो इसके बाद यहाँ पर मेरे को पंख मिल चुका था एंड मैं यहाँ से पंख से उड़ना ट्राई करने वाला था यहाँ पे मैं गया एंड मैंने पंख से उड़ने की ट्राई की बट माइन का लॉजिक ओप तो यहाँ पे माइन के लॉजिक ने मेरे को एक और बार फेल कर दिया एंड मैं इधर पानी में गिर गया एंड सो यू ऑन इधर मेरे को एक जगह ढूंढनी थी एंड यहाँ पे मेरे को एक नॉर्मल बायोम ढूंढना था जहाँ पे मैं एक अच्छा सा घर बना सकूँ क्योंकि सवाना बायोम मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसमें येलो इशा फिनिश आता है एंड तुम लोगों को इधर एक केव दिख रही होगी इसको जाके बाद में एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है एंड गलती से मैं नीचे गिर गया गलती से क्या गिरा मैं ख़ुद ही नीचे गिर गया तो इसके लिए मेरे को ऊपर जाना था एंड ऊपर जाने के लिए इधर ज़्यादा अंधेरा था तो यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कलेक्ट नहीं कर पा रहा था तो इसके लिए मेरे को यहाँ पर ऊपर जाना था एंड इसके लिए मैंने अपने पंखे से डर्ट तोड़ी लिटरली कैन यू गाइज इमेजिन अबाउट दैट कि हम लोग पंखे से मिट्टी तोड़ रहे हैं लिटरली तो इसके बाद यहाँ पे हमने टावर अप किया एंड टावर अप करने के बाद जितनी भी डर्ट की मेहनत थी वो सारी बर्बाद चली गई एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़े से और ब्लॉक्स लिए एंड उसके बाद मैं चला गया फिर से खाना जमा करने आई I मीन mean दोस्तों से मिलने एंड मतलब खाना ही जमा करने तो इधर मेरे को यहाँ पर और खाना मिला एंड बट मैं संतुष्ट नहीं हुआ एंड इधर तुम लोग देख सकते हो एक घोड़ा है तो मेरे को इसकी मूवमेंट कैप्चर करनी थी एंड देखना था कि क्या ये हमारा दोस्त बन सकता है तो मैं इधर थोड़ी देर खड़ा रहा एंड देखा कि क्या ये हमारा दोस्त बन सकता है लेकिन बाद में मेरे को पता चला नहीं ये तो भगक गया तो मतलब ये हमारा दोस्त नहीं बन सकता खैर मेरे को आगे जाके और काउज़ मिली एंड ये मेरे से ज़्यादा तेज थी तो इसके लिए मैंने इन्हें भी ख़त्म कर दिया खैर ये काउ तो कुछ ज़्यादा ही तेज है बट ज़्यादा देर नहीं रही तो अगली बार मैंने इस काओ को टारगेट किया एंड ये काओ कहाँ जा रही है एंड ये काओ सीधा हमारे गधे के पास चले गई एंड इसके बाद यहाँ पे एक पिगी जी थे मतलब हमारे टेक्नो ब्लेड भाई थे तो इनसे भी हमने खाना इकट्ठा किया एंड इसके बाद यहाँ पे मैंने इस घोड़े पर स्निक किया एंड देखते हैं कि क्या ये हमारे साथ चलेगा एंड इसने तभी मेरे को अपना फ्रेंड बना लिया बट ये मेरे को आगे नहीं बढ़ा रहा था तो इसके लिए एक ही कारण था तो इसके लिए हमने इसको भी आर आई पी कर दिया मतलब रेस्ट इन पीस तो इसके बाद डोंकी वॉज प्लेन डोंकी को भी हमने मार दिया एंड इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे चलने लगे एंड एक्सप्लोर करने लगे कि हमें और क्या क्या मिलेगा तो इसके साथ साथ मेरे को यहाँ पे बैम्बू मिल गई जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात थी क्योंकि बैम्बू काफ़ी ज़्यादा काम आती है अनलिमिटेड सूट्स फार्म बनाने के लिए अनलिमिटेड फ्यूल फार्म बन जाएगा इससे हमारा एंड इसलिए मैंने इसको कलेक्ट कर लिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़े से पोम्पियो उठाने वाला था जिसको जो भी कहते हैं फ्लावर या पॉम्पी इसके बाद मेरे को थोड़े तरबूज भी मिल गए वैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मैं ज़्यादा तरबूज खा ही नहीं रहा मतलब गर्मियों के सीज़न में तरबूज होते हैं लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खाता बट फिर भी गेम है तो गेम में हमें खाना पड़ता है वरना इन जैसे पांडा हमें खा जाते हैं तो इसके बाद मैंने थोड़े से यहाँ पे तरबूज कलेक्ट किए एंड थोड़े से तरबूज कलेक्ट करने के बाद मुझे दिखा एक पांडा एंड थोड़ा सा मैं तरबूज कलेक्ट कर ही रहा था तो मेरे को पांडा की थोड़ी सी आवाज़ सुनाई दी एंड मैं इस पांडा के पास आया एंड इस पांडा को मैंने रेस्ट इन पीस कर दिया एंड इसके पास से मेरे को बैम्बू मिला तो शायद इसने नाश्ते में बैम्बू खाया होगा या फिर दोपहर के खाने में बैम्बू खाया होगा बट इसके बाद मेरे को और खाने की ज़रूरत थी इसलिए मैंने एक और शिप को मार दिया एंड उसका भी आर आई पी कर दिया तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे एक और क्राफ्टिंग टेबल बना लिया क्योंकि मेरे को क्राफ्टिंग टेबल की कमी पड़ रही थी एंड जैसे ही मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बनाया यहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया एंड इससे मेरे को बनाना था येलो डाई एंड मेरे पास काफ़ी सारी डाई थी तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि वुल को इसमें करूँगा बट ऐसा नहीं हो पाया तो मैंने यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ दिया एंड यहाँ पर वापस से उठाया ताकि ये फिर से खो ना जाए तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक्सप्लोर करने चला गया एंड देखने लगा कि यहाँ पे क्या हमें कुछ सामान मिलेगा या फिर हमें वुल मिलेगी तो मैं इधर आगे थोड़ा सा चला गया एंड मेरे को इधर खाना दिख गया मतलब फूल भी दिख गई एंड खाना भी दिख गया खैर मैंने अभी दोस्त नहीं बनाऊंगा क्योंकि मेरे को खाने की ज़रूरत है ज़्यादा तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने और फूल तोड़े क्योंकि यहाँ पे फूल पड़े हुए थे एंड इन फूलों से मेरे को डाई बनानी थी तो इधर मैंने यहाँ पे अब क्या किया क्राफ्टिंग टेबल को वापस से लगाया एंड इधर देख लो ये फूल मेरा दिमाग ख़राब कर रहा था तो इस फूल को मैंने तोड़ दिया एंड इसके बाद यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो मैं यहाँ पे बेड बना सकता था लेकिन कहाँ यहाँ पे मैंने पहले डाई बनाई एंड डाई के मैं? बाद यहाँ पे मैंने बेड बनाया एंड उसके बाद उसी बेड को येलो कर दिया आई डोंट नो क्यों पर मेरा दिमाग कुछ अलग ही चल रहा था एंड येलो बेड मैंने बना दिया एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा और तेज चला एंड मैंने इसके बाद ग्रे बेड बना दिया मतलब मुफ्त का माल है तो भाई चेंज करते रहो एंड इसके बाद मैं चेंज करता रहा एंड फर्नेस बना लिया वाओ तो इसके बाद यहाँ पे मेरे पास अब एक बेड आ चुका था एंड अब मेरे को रात की कोई भी दिक्कत नहीं थी तो मैं रात आराम से सर्वाइव कर सकता था एंड इधर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पम्पकिन उठाया था कि मेरे को खाने की कमी हो तो मैं खा लूँ खैर फिलहाल में मेरे को कमी थी एंड इसलिए मैं थोड़ा सा खाना खाने लग गया एंड यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये पिगी नीचे गिर गया एंड यहाँ पे पिगी की तलाश में भी मैं नीचे चला गया एंड मेरे को लगा कि पिगी से और खाना मिल सकता है लेकिन यहाँ पर मेरे को लावा पुल दिखा एंड आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड कि लावा पुल के पास क्या होगा लेकिन मैंने यहाँ गलती कर दी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे मॉब्स थे एंड तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे सारा मेरा इंतजार कर रहे थे एंड शायद ये उन शिप का श्राप ही होगा कि मैं यहाँ पे बिल्डअप नहीं कर पाया एंड इन्होंने मेरे को लावा में जला के मार दिया एंड मेरा सारा का सारा सामान लावा में जल गया क्योंकि मैं ट्राई टू इन लावा हुआ हूँ तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा सामान जल गया एंड यहाँ पे तुम लोग देखते ही यो भाई गरीबी में आटा गीला हो गया एंड मेरे पास यहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज़ नहीं थे एंड अब यहाँ पे गाय घूम रही थी जो कि पहले मेरे को नहीं मिल रही थी तो इसीलिए मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास हो गया एंड यहाँ पे मैं ढूंढने लगा और चीज़ें कि मेरे को यहाँ पे और कोई रिसोर्स मिले एंड तभी मेरे को एक केव मिली एंड यहाँ पे मेरा क्राफ्टिंग टेबल पड़ा हुआ था एंड इस क्राफ्टिंग टेबल पे मैंने सारा गुस्सा उतारा तो सबसे पहले मैंने इसको तोड़ा एंड इसको तोड़ने के बाद इसको कलेक्ट किया खैर कलेक्ट तो करना ही होता है तुम लोग जैसे कि जानते ही होंगे माइंड क्राफ्ट का रूल है ये कलेक्ट नहीं करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा एंड इसके बाद यहाँ पे काओ के सामने जाके मैंने इसे लगा दिया एंड काओ को बोला कि तू ही रखी से मेरे को नीचे है एंड फिर मैंने काओ को मारा क्योंकि काओ इसको नहीं ले रही थी एंड इसके बाद तुम लोग देख सकते हो गरीबी में आटा गिला तुमने सुना ही होगा मेरे पास यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था इसीलिए ये देखो ये वाला जॉम भी आयरन की तलवार लेके आया था मेरे को मारने के लिए एंड मैं एक और बार मर गया तो फर्स्ट एपिसोड में मैं पहले ही दो बार मर चुका था एंड इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे ये क्या हो रहा है भाई एंड इसके बाद यहाँ पे तुम लोग एक लामा देख सकते हो एंड ये लामा भी मेरे को मार रहा था एंड इसके बाद सभी जॉम्बीज मेरे को मारने लग गए यहाँ तक कि लामा भी नहीं रुका तो मैं इस एपिसोड में एक और बार मरने से पहले पहले एपिसोड में एक और बार मरने से पहले मैं एपिसोड खत्म करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा प्रोग्रेस करके रख